हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मिथुन लड़ीवाला योर होस्ट एंड दोस्त हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो नया साल एक बहुत बेहतर रेमेडी के साथ जो कि कॉमनेस्ट रेमेडी है ये रेमेडी का फैसेट हर एक इंसान में मिलता है ठीक है तो आज की रेमेडी है सल्फ़र तो सल्फर बेसिकली अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होता है अबंडेंस में अवेलेबल होता है हर जगह अवेलेबल होता है ओके इसीलिए सल्फ़र रेमेडी भी बहुत कॉमन रेमेडी है ब्रेड एंड बटर रेमेडी है ठीक है हमारे क्लिनिक्स में बहुत कॉमनली मिलती है सल्फर है ना ये एलिमेंट ही ऐसा है जो कि हर जगह अवेलेबल होता है इसलिए पर्सनैलिटी भी हर जगह अवेलेबल होती है ठीक है तो सल्फर कैसा होता है बच्चा कैसा होता है ये देखेंगे लास्ट आप लोगों ने ऑलिप सैक देखा है मेरा वीडियो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है तो इसीलिए आज सल्फर रेमेडी में ये लेना चाहता हूँ ताकि वो ऑलिप सैक से कितना क्लोज है कितना दूर है ये भी देखेंगे हम ठीक है तो सल्फर रेमेडी जो है वो आ, बच्चों में सल्फ़र कैसा पकड़ेंगे ये सीखेंगे ठीक है और आ, यंग पर्सनालिटी कैसी होती है और ओल्ड एज कैसे होते हैं वुमेन कैसी होती है सल्फ़र तीनों देखेंगे तीनों चारों देखेंगे हम ठीक है तो बच्चे सल्फ़र कैसे होते हैं सबसे पहले बहुत क्यूरियस बच्चे होते हैं हमारे से सवाल करते हैं बात करते हैं बाकी कई बच्चे हम देखेंगे कि छुपते हैं माँ के पीछे बात नहीं करेंगे शाये होते पर सल्फ़र जो आएंगे हमारे क्लिनिक में सब इधर उधर देखेंगे वो क्यूरियस आइज़ होती है उनकी डरी भी आइज़ नहीं होती हायोसाइमस की आँखों में डर होता है सल्फर की आँखों में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है कैसा है ये क्या है वो क्या है है ना हमारे से सवाल करेंगे डॉक्टर को पूछेंगे डॉक्टर सर ये क्या है ये क्या है हमारे टच करके देखेंगे इसलिए उसका एक रूब्रिक है टचिंग इम्पैक्ट टच एवरीथिंग इन चिल्ड्रन उनको बहुत उत्सुकता होती है जानने की कि ये क्या है वो क्या है है ना इसीलिए बड़ों में भी ऐसा ही एक है रूबरिक क्यूरियस वॉन्ट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन है ना कि आप ये कैसे करते हो यानी आप ये इलाज कैसे करते हो यहाँ क्या होता है वहाँ क्या होता है वो खुद पढ़ लेता है इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं इस इंटेलिजेंट होते हैं सल्फर है ना नेव भी होते हैं बट वेरी इंटेलिजेंट बेवकूफ़ नहीं बना सकते इनको अपने को नेव दिखेगे दूसरा हमेशा बिजनेस वाली बात करने वाला होता है सल्फर बट इन टर्म्स ऑफ मतलब रेवरेंस में रहेगा हमारे से अंदर आएगा बड़ा आदमी बात करेगा नमस्ते करेगा जैसा हायोसाइमस नमस्ते करता है वैसा सल्फर भी नमस्ते करता है जनरस होता है सल्फर से बात करने में आपको मज़ा आती है।, है ना उसको सुनने में है ना चार्मिंग अदर्स में है सल्फर मतलब जो सल्फर जो है एक ग्रुप की जान होता है लोग उसको लेके चलते हैं कई बार ये होना चाहिए ये रहना चाहिए बात करेगा सबको सोशाबिलिटी में है खुश रखेगा सबको ऐसा होता है है ना दूसरों की भी तारीफ करता है प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में भी है है ना तो ये होता है सल्फर लेके चलता है डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर साहब आपके पास बहुत समय है आप आराम से ट्रीट करिए मुझे कोई जल्दी नहीं है मुझे मालूम है ये बीमारी को समय लगता है ठीक है ऐसा भूलेगा तो अपन शौक रहेंगे अरे बढ़िया है ये तो है ना मतलब आपको समय देता है आपकी इज्जत करता है और आपको भी उठाता है ख़ुद को भी उठाता है है ना आराम से बैठेगा मेरे पास तो ये है मेरे पास तो वो है ठीक है ये सब बहुत कॉमन है सभी को मालूम है सल्फ़र के बारे में है ना तो आगे जर्नी कैसी चलती है सल्फ़र की वो देखेंगे अपन स्क्वेंडरिंग मनी में है लोगों के लिए बहुत केयर करता है पैसा स्पेंड करता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सल्फर का जो कि बच्चों में हम देखते हैं जैसे मैंने बताया वॉचफुल चिल्ड्रन इन है, है ना वो मतलब सल्फर जो है ना उसको रास्ते याद रहेंगे छोटा बच्चा भी रहेगा मम्मी हमने यहाँ से यहाँ गए थे आपको याद होगा अपन ने वो किए थे यहाँ वो दुकान थी मतलब उनको सब याद रहता है वॉचफुल होते हैं ठीक है थीके? मतलब अपन ये लिख रहे हैं उसका नाम तो बोलेगा सर ये मेरे नाम में डबल ए है है ना और अगली बार ये भी बताएगा कि सर वो आपने ना लेफ्ट पढ़ने पे मेरा नाम लिखा था आप देखिए अगर अपन गलती से उसका भूल गए नाम ये दवाई तो वो अपन सर्च कर रहे हैं तो वो इतने वॉचफुल और अलर्ट होते हैं सल्फर कि वो बताएंगे कि देखिए देखिए वो आपने शायद सर मैं उस दिन शाम को इवनिंग में आया था आपने लास्ट में, में मेरा नाम लिखे थे तो ये नहीं ये उसको मालूम होता है ऐसा होता है सल्फर तो आप मतलब ये क्या हो गया ना ये क्वालिटी हो गई अरे हम अपन बोलेंगे यार हाँ यार ऐसा इसको तो याद है मेरे को याद नहीं है मतलब तो ये भी चार्मिंग अदर्स मतलब हम उससे चार्म हो जाते हैं ठीक है उसकी बात ऐसी रहती है फिलोसफी एबिलिटी फॉर्म है है ना तो ऐसा हमें सल्फर जब आता है तो हम उसकी बातें सुनने में लग जाते हैं कई बार और कई बार एक लिमिट क्रॉस होती है हम उनको लगता है यार बहुत बात कर रहा है बहुत फेक हुआ है ये ठीक है दूसरी तीसरी चौथी बार आपको समझ में आएगा पहली बार में नहीं लगेगा ये एक फीलिंग होता है उसका बट जब जैसी जैसी सल्फर की जर्नी आगे बढ़ती है उनको भी एप्रिसिएशन चाहिए होता है कहीं ना कहीं नहीं मिला तो उनको एक आ, वो फीलिंग होता है कि यार इसके पास है एडो क्वालिटी ऑफ अदर्स में है ना मेरे पास भी रहना चाहिए एम्बिशन इंक्रीज कम्पिटेटिव में इसलिए वो एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी में है सोशल पोजीशन में है नाम चाहिए रहता सल्फ़र को बहुत वो चाहता है कि मेरा नाम बना रहे हमेशा पैसे को लेके दो टाइप के सल्फर होते हैं एक एक होता है एक रैग्ड फिलोसोफर ठीक है जो बात तो बहुत करेगा लेकिन एक डल्टी हमने देखा है और एक होता है एकदम अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनने वाला हमेशा कड़क कॉलर कड़क लेनिन शर्ट ठीक है प्रेस्ड एकदम ऐसा भी होता है विरेट्रम भी ऐसा होता है पर विरेट्रम कैसा होता है ना बात करने में बहुत खराब होता है विरेट्रम और बट सल्फर अच्छी बात करता है ये फ़र्क है विरेट्रम आएगा तो खुद तो अच्छे कपड़े पहनेगा लेकिन भाव करेगा बाहर रिसेप्शनिस्ट से तो अच्छे से बात नहीं करेगा अपने से अच्छी बात करेगा सल्फर बाहर भी अच्छे से बात करेगा अंदर भी अच्छे से बात करेगा ये फ़र्क है सल्फर पर्सनैलिटी चाम कर देती है इसके अंदर एक इंटेलिजेंस होता है और क्यूरियोसिटी होती है इनोवेटिव होता है सल्फ़र इनोवेटिव बच्चे होते हैं मतलब कुछ नया क्रिएट करेंगे सल्फर के सवाल बच्चों के ऐसे होंगे ये भगवान कहाँ रहते हैं मम्मी और या बड़ा बोलेगा मेरे तो भगवान से कांटेक्ट है है ना मतलब मैं अपनी तो बात चलती है है ना ये लेवल की बातें रहेंगी ठीक है भगवान कौन है ब्लैक होल किधर है मतलब ये लेवल की बातें बच्चे करते हैं हम आश्चर्य हो जाते हैं ये इसलिए चारवीं अधर्स में है ना और कंटिन्यूसली ये लोग जो है एक प्रोसीजर में लगे होते हैं कि कैसे करे है ये मैं काम कैसे करूँ ये क्या नया बनाऊँ मैं है ना इनोवेटिवनेस में और सल्फर जो है फैमिली को लेके कैसे होते हैं चिंता में होते हैं हमेशा एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज एंजाइटी फैमिली अबाउट हीज केयरफुल ऑफ में है ना और केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट इनको हमेशा अपनी इमेज अच्छी बना के रखना होता है जस्ट लाइक कैलकेरिया मतलब ये खराब अच्छी बनाने के असर मतलब अपनी इमेज कहीं ख़राब नहीं होने देंगे सल्फर है ना ये दूसरों के लिए अच्छा चाहते सोशाइबिलिटी में है सोशल है काफ़ी मिक्स हो जाते हैं जल्दी बात करने लग जाएंगे हम कहीं ट्रेन में जाएंगे तो सल्फर बंदा जो होगा वो हमारे से बात करने लग जाएगा हमारे से सवाल करने लग जाएंगे आप कहाँ से आए क्या कहाँ बैठे थे फिर वो अपना धीरे धीरे दोस्ती करेगा फिर अपने इंटेलिजेंस बताने लगेगा उसका गणित सुन के उसकी बातें सुन के हम चा हो जाएंगे यार तो इंटेलिजेंट बंदा है मतलब इसको सारी ट्रेनों के बारे में मालूम है इधर से चलती इधर जाती है मतलब आपको ये फीलिंग आएगा यार ये मस्त है ये बंदा है ना पहली बार में आपको ऐसा लगेगा पर ये सब चीज़ों में उसकी एक हिपोक्रेसी होती है जो कि बहुत आ, क्या बोलते हैं एक अंदर के लेवल पर चलती है आपको पता नहीं चलेगा सटल होता है काफी केयरफुल ऑफ रिलेटिव में है एनजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स में है घर में क्या चल रहा है ये बंदा सब चीजों के बारे में इसको जानकारी देंगी पूछेगा करेगा पर एक रूबरिक है बहुत अच्छा सल्फर आपको मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में नहीं है ना कि ड्यूटी टू सेंस ऑफ ड्यूटी में है ना तो बट करता तो है सबके लिए तो ये उसकी एंगजाइटी होती है और एक सोशल पोजिशन होता है कि भैया मेरा नाम रहना चाहिए इसलिए मेरे बच्चे भी अच्छा करना चाहिए उन्होंने अच्छा करना चाहिए तभी मेरा नाम रहेगा ये उसका एक सेल्फिश ने होता है इसलिए अपने बच्चों के लिए वो चिंता में रहता है अगर ये खराब करेंगे ठीक है तो मैं मेरी रेपुटेशन लॉस हो जाएंगे मैंने जो रेपुटेशन बनाई है सोसाइटी में ये लॉस हो जाएंगे एलिमेंट्स फ्रॉम रेपुटेशन लॉस में है में, है में प्लस मतलब इतना उनको खराब लगता है इसीलिए ये अपने फैमिली की और सबकी करता है ताकि सारे परिवार वालों से नाम तो उसका जुड़ा है ना लोग तो उसके ऊपर उंगली उठाएंगे क्योंकि इसने तो बहुत वाह वाह करके बैठा है बाहर बहुत बहुत बातें करके बैठा है अपना तो ऐसा है अपना तो वैसा है तो अगर अपना ऐसा है वैसा है अगर ये दिख गया परिवार का अरे ये बंदा इसका तो ये तो ऐसा बोलता है कि भैया मेरे यहाँ तो ये है वो है पर जब फैमिली से कोई कुछ नीचे जाता है तो उसको ये फिक्र होती कि नाला मेरा नाम खराब हो जाएगा है ना मेरे रेपुटेशन लॉस होगी अगर मेरा बेटा अगर पढ़ेगा नहीं और उसके मार्क्स कम आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा बाहर वालों को है ना तो ये इसीलिए एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इसमें होता है अपने बच्चे को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करेगा है अपने परिवार को अपना ऊपर रखने की कोशिश करेगा ठीक है तो ये सल्फर जो है इसका जो हिपोक्रेसी है वो ऐसा दिखेगा बाद में और जिसको समझ में आता है होम्योपैथ पकड़ लेगा ठीक है और जिसको समझ में आता है बाद में कि यारे तो झूठा बंदा है है ना ये हमको फंसा रहा है ठीक है परफीडियस में है लायर में है चेरलेट में है ठीक है यूजरर में है सल्फर यूजरर मतलब कौन होता है जैसा लाइकोपोडियम भी यूजरर में दलाल होते हैं ठीक है थीके? ये अपना दूसरों से कम में लेने का और सामने ज़्यादा देने का है ना दलाली खाने का ऐसा होता है तो ये बातों में फंसा लेते हैं इनका जो फंसाना होता है वो दिखता नहीं है लाइकोपोडियम का भी एक बार का दिख जाएगा और सल्फर का बहुत जल्दी दिखता नहीं है है ना तो एक लेवल पे आके जब ये अपनी वेल्थ वेल्थ ऑफ सल्फर है, जब अपनी ये वेल्थ बना लेते हैं अच्छे से तो उनको एक ईगो सल्फर ईगोस्टिक रेमेडी है ठीक हो एक ईगो डेवलप हो जाता है है ना और ये ईगो के चक्कर में इनको डिल्जन ग्रेट ही रहता है ठीक है बट एक लेवल आता है जहाँ आदमी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरा देता है इसके कारण ये नीचे जाने लगता है फियर पॉवर्टी में है सल्फर ठीक है डिलीजन पुअर में नहीं है फियर पॉवर्टी में ये फियर पॉवर्टी इसके माइंड में हमेशा होती है इसलिए ये बहुत काम करता है मेहनत ही होता है सल्फर वर्किंग होता है, है ना इसीलिए ये रेस्ट कैनोट वेन थिंग्स नॉट इन प्रॉपर प्लेस में है फास्टिडियस टाइम ऑलवेज वॉन्ट्स एवरी थिंग टू हैपन एट द सेम टाइम है ना एंड उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए और इसीलिए बहुत मेहनत करता है अपनी तरफ से पूरी जी क्या बोलते जद्दो जद्दो जहद लगा देता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगा ताकि वो किसी से हेल्प ना मांग सके है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सल्फर की कि वो किसी से हेल्प ना मांगे ये उसको दिमाग में होता है फ्यूचर में मुझे एनजाइटी फ्यूचर उसका क्या है सल्फर का एनजाइटी फ्यूचर कि यार मेरी ऐसी पोजीशन ना आए कि मुझे मांगना पड़े किसी के हा, सामने हाथ फैलाना पड़े है ना तो एक केस सुनाता हूं मैं आपको एच एच एफ में आने के पहले ये था ना हमारे दिमाग में एक जेंडर बायस हो गए थे कि भाई ये सल्फर मेल होता है पल्सटाला वुमेन होती है सीपिया uh, वुमेन होती है है ना होती है पर डोंट मेक अ रूल सीपिया मैंस भी होते हैं सल्फर फीमेल्स भी होती है तो एक बहुत अच्छा केस सल्फर का मैं आपको बताता हूँ एक लेडी uh, आई थी मेरे पास ऑलमोस्ट सिक्सटी प्लस में थी तो uh, उसके उसको हेड इंजरी हो गई थी हेड इंजरी के बाद वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती थी ठीक है उसका एक बेटा ही था हसबेंड पहले डेथ हो चुका था और बेटा भी वर्किंग था ठीक है ये नागपुर में रहती थी वो पुणे में रहता था वो जॉब पे था तो ये अकेले यहाँ पे रहती थी और आ, उसका बेटा पुणे में पढ़ाई करता था उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट होने के बाद वो इत, आ, उसका ऑपरेट हुआ ब्रेन का उसके बाद वो उसका अलर्टनेस कम हो गया उसकी एक्टिविटी कम हो गई तो उसको अपने बच्चे के पास रहना पड़ा तो इस चीज़ से छः महीना तो रही वो रिकवर हो गई नाइन्टी परसेंट पर टेन परसेंट उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके कारण ना उसके उसको ये दिखता था कि मेरे बच्चे को मेरे वजह से तकलीफ होती है दूसरा उसका ईगो आड़ जाता था, था कि मुझे मेरे बच्चे से हेल्प मांगनी पड़ती है और इसके कारण उसकी डिपेंडेंसी जा रही थी वो चाहती थी कि मैं नागपुर में रहूं और मैं खुद काम करूं घर का और सब चीजें मैं करूं और मैं अपने बेटे को डिस्टर्ब ना करूं ठीक है और ना कि मदद मांगूं ये उसका ईगो भी था पर उसका बेटा उसको अपने साथ ही रखता था ताकि मम्मी अभी और गिर गई है फिर से ना गिर जाए ना एक्सीडेंट हो जाए तो उसके वो केयर में बट इसको ये बात खल रही थी कहीं कही ना कहीं है ना? और इस कारण से इसके नी जॉइंट पेन चालू हो गए थे तो मैंने उसको पूछा कि क्या स्ट्रेस है लाइफ में तो वो बोली मेरे को कि मुझे सर ना पहले ना किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अब हर चीज़ बेटे से पूछ के करना पड़ता है है ना तो ये क्या हुआ साइकोडानेमिक क्या है नी जॉइंट का कि हमें किसी के सामने झुकना पड़ता है पहले वो किसी के सामने झुकती नहीं थी अब उसको झुकना पड़ता है उसको हर चीज बेटे के हिसाब से करना पड़ रहा है ठीक है बट एज क्या बोलती है कि कि भैया अब अब तेरी एज हो गई है अब तुझे अपने बेटे के हिसाब से चलना चाहिए ना यू आर नाउ सिक्सटी फाइव तो अब तो बच्चों के हिसाब से नहीं इसका ईगो और इसका इंडिपेंडेंट जो फील है उसका आड़े आ रहा था इसलिए उसको नीज पेन आता था सल्फर देने के बाद उसका नी नीजन पेन गया और वो उस वो एग्री करने लग गई कि चलो ठीक है मेरा बेटा जैसा बोलेगा मैं वैसे ही करूँगी तो ये एक बहुत अच्छा चेंज आया यहाँ उसका ईगो टूटा है ना तो ये सल्फर लेडी थी इसको मैं बहुत दिनों से आ, इसको मैं बहुत दिनों से कैलकेरिया का दिया पहले मैंने और, और एक हाथ कोई रेमेडी दिया मुझे भी सल्फर पे आने पर थोड़ा सा टाइम लगा जब मैं सल्फर को समझा लेडी में ठीक है जो हम जेंडर बायस हो जाते नहीं देते इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी ये गलती ना करें है ना तो ऐसा सल्फर होता है अपने वर्किंग में सल्फर कैसा होता है अपनी काम निकालने में है ना लायर होता है कहीं ना कहीं अपनी बढ़ाई चढ़ाई करने में दूसरों को प्लीज करने में होता है, है ना? उसको ये फील होता है कि अपन सब चीज आराम से कर लेते हैं डिल्यूजन ही वॉक्स वॉकिंग ऑन अ कॉटन सब चीज मेरे लिए इजी है इतनी इफिशेंसी लगती क्योंकि वो इंटेलिजेंट होता है है ना और इनोवेटिव होता है चार्मिंग अदर्स में है मतलब उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज है जिस फिलोसफी एबिलिटी में है। और वो कर चुका है और जो कर चुका रहता वो है वो बातें करता है ना तो ये क्वालिटीज की वजह से वो ग्रेट पर्सन में है बट एक टाइम आता है जब उसका डिक्लाइन आता है जब उसको फीलिंग आता है ही विल कम टू बिकॉज़ ऑफ़ मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े है ना और एक लेवल पे आके सल्फर जो है इतने फेनेटिक हो जाते हैं फेनेटिक मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वही सही है जैसा मैं सोच रहा हूं वो ही सही है, है? तो इसके कारण वो लोग ये लोग जो है न्यू चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते जस्ट लाइक like कालीकार है ना इसीलिए फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कोई धर्म को मान रहा है या कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा ही पढ़ना चाहिए यही तरीके से पढ़ना चाहिए यही तरीके से करना चाहिए अगर वो नहीं करता है तो उसको वो इंसल्टेड फीलिंग होता है डिलिजन इंसल्टेड ही क्यों क्योंकि सल्फर ना एक लेवल पे आके इसेंट्रिसिटी रिलीजियस में चले जाता है पहले तो इसेंट्रिसिटी समझेंगे जो हटके काम करने वाले रिलीजियस मतलब हमको मालूम है हम को जो कोई एक धर्म को पालते हैं है ना या कोई कोई एक एक कोई एक संस्था को मानते हैं उन्हें यही करना चाहिए ऐसा ही चलना चाहिए तो ये जो लोग होते हैं ना फॉर एग्जाम्पल अगर कैसे बताओ इसेंट्रिक रिलीजियस लोग जो है के मतलब बहुत सारी माला पहन के घूम रहे हैं है ना और जो हम देखते हैं बनारस में वो साइड में जो माला पहन के घूमते कपड़े नहीं पहनते है ना जो कपड़े नहीं पहनना इज इस, इसेंट्रिसिटी इस ना पूरे ग्रुप में सब लोग पहने हुए ये भाई साहब ने सिर्फ माला पहने और कपड़े नहीं पहने और वो, वो हमने भूल भूलैया मूवी देखी है उसके अंदर जो शॉर्ट हैडेड होता है तो वो पूरा लाल बन के अगरबत्ती लगा के आता है है ना तो ये ट्रिसिटी रिलीजियस हो गया हट के काम करने वाले तो ये माइंड सेटअप के वजह से दूसरे लोग क्या बोलना चाहते हैं इनका एक्सेप्टेंस कम हो जाता है, है ना तो इसीलिए इन लोग है अवर्जन टू एजुकेशन में एंड अवर्जन टू लिटररी पीपल मतलब पढ़े लिखे लोगों से अवर्जन है ना हमारा तो ऐसा ही है यही करना पड़ता है ऐसा ही चलना पड़ता है ये लेवल पे भी सल्फर आते हैं और बातें करना एजुकेशन मतलब एजुकेशन ऑलवेज टीचेस अस न्यू थिंग्स है ना तो इनको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी होती है जैसा हम चार हम हमने किया है आज तक हम वैसा ही चलेंगे ये वाला फीलिंग सल्फर में भी होता है ये फैनेटिसिजम होता है कोई भी एक चीज़ को मानना या चलना फॉर uh, एग्जाम्पल हमने पी के मूवी में देखा है कि वो जो uh, माला पहन के वो जो लोगों को भाषण देते रहता है कि वो जो उसका जो यंत्र है वो उसको uh, शिव जी का डमरू बोल देता है मतलब वो ये इसेंट्रिक होते हैं और एक एक रूढ़ीवादी बोलेंगे या एक उनको नया कुछ नहीं सीखना है सब अपना जो बनाया हुआ है अपनी थैरी है थेराइजिंग में भी है ना सल्फर अपनी थेरी यही दूसरों को बताना है दूसरों का नहीं सुनना है है ना तो ये ऐसा होता है सल्फर बट एक टाइम के बाद जब बीमारी आती है है ना तो उसको हेल्पलेस फीलिंग होना चालू हो जाता है और तब उसको लगता है कि यार अब मुझे झुकना पड़ेगा या आई एम पजेस्ड डिलीजन पजेज में डिलीजन थीम ही इज गेटिंग थिन ही इज गेटिंग कैसा लेंगे थिन इज गेटिंग रूबरिक जो है डिलीजन पुअर के बहुत क्लोज है तो थिन इज गेटिंग में क्या होता है थिन इज ऑलवेज कंपेयर्ड थिक थिक मतलब पहले जो थिक था अब थिन हो गया ये फीलिंग होता है पहले बहुत पैसा था अब कम होते जा रहा है ही इज गेटिंग ये जो रूबरिक है कंटिन्यूस प्रोसेस है हो नहीं गया है हो रहा है मतलब मैं पहले इतना दौड़ लेता था पर अब फर्स्ट फ्लोर पे ही हाफने लगा हूं मतलब चल रहा है है ना अब चढ़ नहीं पाता ऐसा नहीं है हाफने लगा हूं फर्स्ट फ्लोर से पहले चार मंजिल चढ़ लेता था तो इसको भी आप डिलीजन थिन हीज गेटिंग ले सकते थे है ना पहले मेरे इतने घने बाल थे अब तो बहुत कम होने लगे झड़ने लगे तो ये जो वेल्थ था वेल्थ जो था वो उसका थिकनेस था अभी थिन में आ गया है ये फीलिंग होता है सल्फर को और इस चीज़ को लेके वो कंटिन्यूस ड्वेलिंग में जाता है सैडनेस ड्वेलिंग कॉन्स्टेंटली ऑन हर कंडीशन मतलब अब मेरी कैसी अवस्था आ गई है जब ईगो में होता है अच्छा होता है तो वो चाहता है कि मेरी कोई तारीफ करे फ्लैट डिजायर टू बी वैन फ्लैटर्ड गिव्स एवरीथिंग सब दे देता है उसको प्लीजिंग में होता है और कॉकेट इज टू मच में होता है मतलब लोगों को आकर्षित कैसे करना इसमें होता है सल्फर है ना और सल्फर के बारे में क्या बताएंगे कि अब हमने देखा कि ऑलिव सेग और सल्फर कैसा क्लोज है ठीक है दोनों भी फिलोसफी एबिलिटी में है है ना बट बातें दोनों करते हैं लेकिन ऑलिव की बातें जो है आपको रिलेटेड विद गॉड मिलेंगी है ना लेकिन सल्फर में ये फिक्स नहीं है ओलिव में ये फिक्स है कि वो है मेरा करने वाला ठीक है सल्फर बोलेगा मैं हूँ मेरे पास बहुत कुछ है अपने पास बहुत है सब हो जाएगा मैं खुद कर लेता हूँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना ये बोलेगा सल्फर और उल्टा अपने को देगा उसका हाथ ऐसा होता है ठीक है तुम भी रखो ऑलिव में ऐसा नहीं है ऑलिव में वेल्थ नहीं दिखाता बट फिलोसफी एबिलिटी ऑलिब में भी होती है जेनरोसिटी दोनों की है है ना ऑलिव में भी रेवरेंस है इसमें भी रेवरेंस है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है तो ये सल्फर होता है सल्फर बहुत कॉमन रेमेडी है बच्चों में इतने मिलेंगे सल्फर आपको बात करेंगे, अपने पास आएंगे, पूछेंगे सवाल पूछेंगे तो समझ जाना कि सल्फर या फास्फोरस में से कोई हो सकता है दोनों भी बहुत क्लोज है क्योंकि क्यूरियस वांट्स टू तो ट्रेन नो द ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन में दोनों है है ना तो ये होता है सल्फर होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय